नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या हेमिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गौशाला की जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ दोस्तों, 725 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, ग्रुप बनाने वाली महिलाओं को मिली है गौशाला की जिम्मेदारी। और इसमें कई ज़िलों में यह जिम्मेदारी मिली है और उसमें से एक है संध्या सिंह, जिन्होंने गौशाला को ही अपना घर बनाने की जिम्मा लिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में संध्या सिंह के प्रयासों को देखकर सरकार ने उनको केराकत के शरौनी गांव में एक गौशाला चलाने की जिम्मेदारी दी। गौशाला का काम संध्या को इतना भाया कि उन्होंने गौशाला को ही अपना घर बना लिया। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी है जौनपुर जिले की और अन्य जिलों की भी जानकारी कुछ इसी तरह से है। जौनपुर में कोई इंसान जब किसी काम को अपने जीवन का मिशन बना लेता है और लगन के साथ उसमें जुट जाता है तो धीरे धीरे उस काम में उसकी महारत इस हद तक हो जाती है कि हर किसी को उसका लोहा मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आजमगढ़ में चंडेसर की मूल निवासी संध्या सिंह की कहानी भी इसी बात को पुरजोर तस्दीक करती है। अगर इंसान में कोई काम करने का जज्बा और लगन है तो बाकी सारी बातें धीरे धीरे बेमानी हो जाती हैं। वह इंसान अपने साथ ही हजारों लोगों की राह को रोशनी कर सकता है। अपनी एमए की पढ़ाई खत्म करने के बाद संध्या सिंह के सामने एक ऐसा समय आया कि उन्हें तय करना था कि वह जीवन में क्या करेंगी। संध्या सिंह के एक रिश्तेदार ने बताया कि जनसेवा आश्रम नामक एक एनजीओ चलाते थे। उनके परिवार के लोगों का कहना था कि वे आगे पीएचडी करें और अध्यापन को अपना पेशा बनाएं, लेकिन संध्या सिंह ने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। 2006 में संध्या सिंह ने जनसेवा आश्रम के साथ काम करना शुरू किया। उनका कार्य क्षेत्र जौनपुर जिले में था। संस्था में उनका काम नाबार्ड के सहयोग से मिला, स्वयं सहायता समूह बनवाया था। संध्या सिंह ने अपने इस काम में मेहनत और लगन से जुट गई कि उन्होंने अपने प्रयासों से कई समूह स्वयं सहायता समूह बनाए। अब तक नाबार्ड के सहयोग से वे जौनपुर ज़िले में 750 से स्वयं सहायता समूह बनवा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 750 और नाबार्ड ने बनाया ज़िले में पहला FPO का CEO। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड ने जब जौनपुर ज़िले में पहला FPO बनाने का फैसला किया तो उनके काम को देखते हुए धर्मापुर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के CEO के तौर पर संध्या सिंह को चुना गया। जी हाँ दोस्तों, यह आप भी हो सकते हैं अगर आप अपने काम के बल अपने काम को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने काम के बल पर शिखर को छू सकते हैं, जैसे संध्या सिंह ने छुआ है। तो हम वीडियो को आगे ले चलते हैं और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए। नाबार्ड का यह फैसला कहीं से भी गलत साबित नहीं हुआ। संध्या सिंह के नेतृत्व में केवल 10 किसानों के साथ शुरू हुई इस MFPO के आज 3000 सदस्य हैं। इस FPO को 1000 शेयर होल्डर है और 665 महिलाएं इसकी सदस्य हैं। आज कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कम से कम 10 तरह के उत्पाद जैसे जैम, जेली, अचार आदि बनाकर उसकी मार्केटिंग करती है। इस संस्था का टर्नओवर 39 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया है। इस रकम से संध्या सिंह अभी भी अपने FPO की ज़रूरी संपत्ति जैसे फार्म मशीनरी आय तैयार कर रही हैं। उनके FPO में मूल रूप से जैविक सब्जियां जैसे मूली, आलू, मटर और मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके FPO में गांव आधारित उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। धर्मापुर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी करीब 60 गांवों में काम कर रही है, जिसमें 15-16 गांवों
में सघन रूप से काम हो रहा है। कोरोना के लॉकडाउन में घर घर पहुंचाया राशन। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा और चारों तरफ खाने पीने की चीज़ों के लिए संकट पैदा हुआ, तो प्रशासन के सहयोग से संध्या सिंह ने अपने FPO के माध्यम से लोगों को घर पर ही राशन पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने FPO के सदस्य किसानों से राशन, सब्जी, दूध और फल की सप्लाई लोगों तक की। संध्या सिंह ने जौनपुर में लोगों को कोरोना के लॉकडाउन में कभी ज़रूरी सामान की कमी नहीं महसूस होने दी और रात दिन काम किया। अब उन्हें प्रशासन ने दिया गौशाला चलाने का जिम्मा। कोरोना काल में संध्या सिंह के प्रयासों को देखकर सरकार ने उनको केराकत के सरौनी गांव में एक बृहद गौशाला चलाने की जिम्मेदारी दी, जहां पर सड़कों पर घूम रहे गोवंश की सुरक्षा और उनका पालन पोषण हो सके। जब संध्या सिंह को सरकार ने गांव की गौशाला सौंपी तो उनके साथ काम कर रहे लोग धीरे धीरे उनको छोड़कर जाने लगे। उन लोगों को कहना था कि जो भी पैसा आएगा वह तो गांव के चारे में ही चला जाएगा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा। उनके सामने एक बार तो संकट खड़ा हो गया, गौशाला को बनाया घर। जी हाँ दोस्तों, संध्या सिंह ने गौशाला को ही अपना घर बनाया। गौशाला का काम संध्या सिंह को इतना भाया कि उन्होंने गौशाला को ही अपना घर बना लिया। उन्होंने अपने पति को गौशाला के काम में सहयोग करने को कहा, जिसके लिए वे राजी हो गए। संध्या सिंह के पति सऊदी अरब में नौकरी करने गए थे और जब वापस लौटे संध्या सिंह ने उनको भी गौशाला के काम में हाथ बटाने के लिए राजी कर लिया। उनको जून 2021 में गौशाला सौंपी गई थी, जिसमें केवल 56 पशु थे। आज केवल एक साल के अंदर ही इस गौशाला में 235 गोवंश हो गए हैं। उनकी देखरेख का काम इतना बेहतर है कि सरकार ने भी इस गौशाला की सराहना की है। इस गौशाला में दूध देने वाली गाय एक भी नहीं है। यहाँ पर 10 क्विंटल गोबर रोज निकलता है, जिससे बर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। अपनी गौशाला से किसानों को जोड़ने के लिए संध्या सिंह ने एक अनोखी योजना शुरू की। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपना गोबर गौशाला को भेज दें और बदले में आधा बर्मी कंपोस्ट ले जाएं। इस गौशाला में अब तक उन्हें 10 लोगों को रोजगार दिया, जिसमें 3 महिलाएं हैं। संध्या सिंह का लक्ष्य गांव की इस गौशाला को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। जी हाँ, तो बस एक तमन्ना, उनके बच्चे माने रोल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनके बच्चे उन्हें रोल मॉडल माने। एक घरेलू महिला रही संध्या सिंह ने अपने आप को समाज सेवा में मनोयोग से समर्पित कर दिया। वह FPO के लिए काम करती हैं और स्वयं सहायता समूह बनवाती हैं। उन्होंने पूरे जौनपुर जिले में 46 नए FPO बनवा दिए हैं, जो उनके निर्देशक में बने और ज़मीन पर अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी कृषि की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। उनकी बड़ी बेटी और बेटा BSc एग्रीकल्चर से 4th ईयर की परीक्षा दे चुके हैं। संध्या सिंह चाहती हैं कि अगर उनके बच्चे उनसे पूछें कि आपने अपने जीवन में बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया, तो वे उस महान काम में लगी एक गिलहरी की भूमिका दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, वनवासी समुदाय में के बच्चों की शिक्षा का उठाया बीड़ा। संध्या सिंह ने अपने आसपास के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वनवासी समुदायों के लोगों के लिए भी काम शुरू करना किया। सबसे पहले संध्या सिंह ने उनके बच्चों को बुलाकर अपने खाली समय में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के वनवासी समुदाय के सभी बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठा लिया। उनके यहाँ पर वंचित वनवासी समुदाय के 20 बच्चों की शिक्षा दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, गौशाला को संस्कार शाला बनाने का लक्ष्य।
संध्या सिंह का लक्ष्य भविष्य में इस गौशाला को पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए एक संस्कारशाला के तौर पर विकसित करने का है। उनका कहना है कि जब तक पर्यावरण सही नहीं होगा, मानव का जीवन भी सही रूप से नहीं चल सकता है। कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सीईओ बने रहने में संध्या सिंह की कोई रुचि नहीं है। वह चाहती हैं कि कोई युवा समर्पित भाव से काम करने के लिए आगे तो आए, वह सीईओ का पद छोड़ दें, जिसके बाद वे अपने आप को गौशाला, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण सहित जैविक खेती के काम को पूरी तरह से लगाती। तो दोस्तों, ये रही संध्या सिंह की। संध्या सिंह ने जो जो कार्य किए, उन्होंने गौशाला को ही अपना घर बना लिया। और कितने दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।